तो भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कानों में ईयरफोन डाल लीजिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मेरी जो जुबान है वो आज क्या क्या बोलने वाली है, इसलिए पहले ही मैं आपको वार्न कर दे रहा हूँ। तो देखो भाई, मैं हूतिया हूँ, मैं हूतिया इसलिए हूँ कि मैंने इंडियन टीम से उम्मीद लगा के रखी थी कि शायद इस मैच में कुछ हो सकता है। मैं हूतिया इसलिए हूँ कि पिछले 2-3 दिन से लगातार मैं ये कहता हुआ आ रहा था कि इस मैच में भैया चमत्कार हो सकते हैं। मैं हूतिया इसलिए हूँ कि आखिरी दिन का खेल शुरू होने से पहले मैं ये कह रहा था कि भाई मेरा जो दिल है ना कहीं ऐसा कह रहा है कि विराट भैया खेल रहे हैं, उनके साथ में रहाणे भैया खेल रहे हैं, ये लोग आपस में मिलके पूरे तरीके से पलटवार कर सकते हैं। लेकिन असल में सच ये था कि जितनी उम्मीदें हमें इंडियन टीम से लगी हुई थी, उतनी उम्मीद तो इंडियन टीम को खुद से नहीं थी। क्या बात कर रहे हैं बाबा, हमारे मन में तो फिर भी जो विनिंग परसेंटेज चल रहा था ना वो बहुत ज्यादा था, लेकिन इंडियन प्लेयर्स ने पता है क्या सोच रखा था कि चलो जाएंगे, जाके खेलेंगे, अगर कुछ हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं भी हुआ तो क्या दिक्कत है, 1 महीने का ब्रेक तो है ही, थोड़ा लोग बहुत गाली देंगे, उसके बाद थोड़े बहुत भैया ट्रेंड चलाएंगे, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा कहेंगे, थोड़ा कहेंगे रिटायर हो जाओ, थोड़ा कहेंगे कैप्टेंसी छोड़ दो, उसके बाद सब भूल जाएंगे। तौबा तौबा तौबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। और ऊपर से क्या देखने को मिलता है कि जो रोहित शर्मा है इंडियन टीम के कैप्टन, वो मैच खत्म होने के बाद क्या कहते हैं कि यार WTC का जो फाइनल है ना वो 3 मैच की सीरीज होनी चाहिए। मतलब रोहित भाई बहाने, लिटरली बहाने, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो रोहित भाई, ये स्कूल थोड़ी है कि कल लाइट नहीं थी इसलिए मैं होमवर्क करना भूल गया। इट्स द गॉड डैम ICC टूर्नामेंट फाइनल, मतलब 140 करोड़ के देश में पहले मात्र 11 लोग चुने जाते हैं, 140 करोड़ में 11 लोग, और उन 11 लोगों में भी एक चुना गया है देश का कप्तान, और वो कह रहा है कि यार अगर इस फाइनल की जगह 3 सीरीज होती तो बेहतर रहता। कभी कह रहा है कि यार हमें जो प्रैक्टिस करने के लिए, तैयारी करने के लिए दिन मिले ना वो उतने ज्यादा नहीं थे। मतलब रोहित भाई सच में बहाने, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर बहाने ही देने हैं तो मैं भी कप्तान बन जाता हूँ, मैच हारने के बाद मैं भी कह दूंगा यार वो मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेला ना इसलिए नहीं जिता पाया। और देखो बाकी बातें गई तेल लेने, हम ये जो मैच है ना ये पहले दिन ही हार गए थे, मैंने पहले दिन ही ये क्लियरली अपनी वीडियो में कह दिया था कि या तो ये मैच इंडिया हारेगा या फिर ये मैच ड्रॉ होगा। लेकिन बहुत लोग थे जिनको इंडियन टीम से उम्मीद थी, और उसके बाद थोड़ा बहुत मैच में ऐसा कुछ हो भी रहा था कि मैंने भी कहा कि भाई चमत्कार हो सकता है, मुझे उम्मीद थी, लेकिन असल में इंडियन टीम को ही अपने आप से उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि ज्यादा ज्यादा क्या होगा, हार ही तो जाएंगे, क्या दिक्कत है, सही पकड़े हैं। और देखो अभी कुछ वक्त में 2023 का ODI वर्ल्ड कप आ जाएगा, वहां पे भी अगर इंडिया हार गई तो क्या ही होगा, उसके कुछ महीने बाद IPL आ जाएगी, बस सब कुछ भूल जाएंगे सब लोग। और पता है सबसे मजाक की बात क्या थी कि ये जो मैच था ये रैंक नंबर 1 और रैंक नंबर 2 के बीच खेला जा रहा था, लेकिन क्या आपको एक पल के लिए भी इस मैच में लगा कि जो टीम यहां पे हारी है वो असल में रैंक नंबर 1 है? और उससे भी बड़ी बात यह है कि किसी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, सच में किसी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप ICC रैंकिंग में नंबर 1 पे हैं, नंबर 5 पे हैं, नंबर 8 पे हैं, नंबर 10 पे हैं या फिर है ही नहीं, आप बस भैया ICC टूर्नामेंट जिता के ले आओ, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। और अगर आप जिता के नहीं ला पा रहे हो तो जैसा मैंने कहा किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप ICC रैंकिंग में कहां पे हैं। बात तो सही है। और पता है सबसे ज्यादा चिंता वाली बात क्या है कि आज के टाइम पे मुझको प्लेयरों की आंखों में वो दुखी नजर नहीं आता है, वो अफसोस नजर नहीं आता है। भाई पहले के टाइम पे प्लेयर जो हैं वो गायब हो जाते थे, भाई घर से बाहर नहीं निकलते थे। और आप इतिहास को उठा के देख लीजिए, जब भी किसी कैप्टन को या जब भी किसी प्लेयर ने किसी बड़ी टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं किया है या कोई कैप्टन बड़ी टूर्नामेंट में बुरे तरीके से हारता है तो वो सीधे रिजाइन मार दिया करता था। मैं नहीं कह रहा हूं कि रोहित शर्मा रिजाइन मार दीजिए या फिर आप रिटायर हो जाइए, वो तो देखो आपका फैसला है, लेकिन कम से कम आपको देख के और आपकी टीम को देख के हमें तो ये लगे कि जितना दुख हमें हो रहा है उतना आपको भी हो रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैं तो तुमसे शर्त लगा रहा हूँ भाई, बस तुम 3-4 दिन रुक जाओ, मेजॉरिटी प्लेयर्स की तरफ से तुमको अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट पे मालदीव से भैया मस्त नहाते वहाते फोटो नजर आएंगी, उसके बाद तुम समझ जाना कि भाई आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और भाई तुम मालदीव को भी छोड़ो, 5-6 प्लेयर तुम्हें ऐसे देखने को मिलेंगे जो अगले 5-6 दिन में इतने ज्यादा स्पॉन्सर कर देंगे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, तो आखिर उन्हें दुख किस बात का होगा, जब इतना पैसा भर भर के आ रहा है तो क्या दिक्कत की बात है। भाई किसी भी चीज का दुख मैं बता रहा हूं, 10 दिन होता है, 15 दिन होता है, 30 दिन होता है, 50 दिन होता है, 2 महीने होता है। यार अपना कोई निजी गुजर भी जाए ना तो उसका दुख भी अगर घर के 4 लोग को छोड़ दो तो बाकी लोगों को 4-5 दिन से ज्यादा नहीं होता है, तो फिर इन लोगों से तुम क्या ही उम्मीद रखोगे। लेकिन पता है पहले ऐसा नहीं था। अगर आपने धोनी का एक बहुत ही फेमस इंटरव्यू है अगर आपने सुना होगा, जिसमें धोनी से पूछा गया था कि आपका क्रिकेटिंग करियर में सबसे बुरा वक्त कौन सा था, सबसे बुरी मेमोरी कौन सी है, तो MS धोनी ने बताया था कि जब हमारी टीम 2007 का ODI वर्ल्ड कप हारी थी तो हम कहीं भी निकल नहीं सकते
सकते थे। हमको एयरपोर्ट से पुलिस की वैन आती थी, वो लेके जाती थी, और हमें ऐसा महसूस होता था कि हम अगर ये मैच हार गए हैं या फिर अगर हम ये आईसीसी टूर्नामेंट में इतना खराब खेल के आए हैं तो हम एक टेररिस्ट हैं और कुछ नहीं। और देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज के प्लेयरों को ऐसा महसूस कराया जाए, लेकिन कम से कम उन प्लेयरों को अपने अंदर तो रियलाइज हो कि भाई हम लगातार इतने टाइम से हगे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी आंखों में वो दुख नजर नहीं आता है कि भाई अगली बार खोलना है। हम आते हैं, कह देते हैं कि काश अगर 3 मैच होते ना तो जीत सकते थे। और देखो, आधी गलती तो सोशल मीडिया की है। आज के टाइम में भैया ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, यानी कि भैया मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, या फिर इंस्टाग्राम हो गया, वहां पे आके लोग मीम बना देते हैं, थोड़ा सा रोस्ट कर देते हैं, 2 पल के लिए थोड़ी सी गाली भी दे देते हैं। लेकिन पहले अगर भैया ऐसे आप हार जाओ क्या होता था, अपने पिताजी से पूछना क्या होता था, भाई सड़क पे निकल के फूंक दिए जाते थे पुतले। भाई कम से कम मुझे लगता है ना वही सही था। 2 पल के लिए प्लेयरों को रियलाइजेशन तो होता था, उनके मन में थोड़ा सा खौफ तो पैदा होता था, और लगता तो था कि भाई हम कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, कितने लोग हमारी जीत या हार से अफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन आज क्या है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता भैया, सब इंस्टा पे मस्त फॉलो कर रहे हैं, वहां पे जाके मस्त भैया कमेंट करेंगे कि अरे भाई क्या दिख रहे हैं, क्या एप्स निकाले हैं, यही तो चाहिए जीवन में, साले मजाक बना के रहा। और सबसे मूर्ख लोग पता है कौन है, जो इस हार का जिम्मा अनुष्का शर्मा के ऊपर फोड़ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि अनुष्का शर्मा है जो बार बार ये पनौती लगाती रहती है, जिस वजह से इंडियन टीम कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाती है। तो भाई सिंपल सी बात समझो कि अगर एक लड़की तुम्हारी टीम को पनौती लगा सकती है ना, तो फिर तुम्हारी टीम ही फुद्दू है, वो लड़की नहीं। और ये कुमार धर्मसेना को क्या दिक्कत है, मतलब हर आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में ये बंदा जो टीम हारी होती है उसके साथ फोटो जरूर खिंचाता है। 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप में इसने न्यूजीलैंड के साथ खिंचाया, उसके बाद 2022 के T20 वर्ल्ड कप में ये बाबर आजम के साथ खिंचा रहे थे, और उसके बाद 2023 के भैया ये WTC के फाइनल में रोहित शर्मा के साथ खिंचा रहे हैं। और अगर तुम इन तीनों ही फोटोज को ध्यान से देखो तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया है, जो कुमार धर्मसेना की स्माइल है ना, वो भी भैया फैलती जा रही है। ये भगवान क्या जुल्म है। तो देखो रोहित भाई, आपसे एक बहुत ही छोटी सी गुजारिश है कि ये जो 2023 का ODI वर्ल्ड कप आना है ना, वहां पे मुझको कुमार धर्मसेना के साथ आपकी फोटो नहीं दिखनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप फाइनल में ही ना पहुंचो। और देखो भाई, एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो दुख है ना वो इस चीज का कम होता है कि इंडिया हार गई, लेकिन ऐसा लगता है कि बिना लड़े हार गई, ऐसा लगा ही नहीं कि भाई हमारी जो टीम है वो बहुत मजबूत है। और ऐसा ना पिछले कुछ वक्त से लगातार लग रहा है, चाहे आप एशिया कप की बात कर लें, चाहे आप 2022 के T20 वर्ल्ड कप की बात कर लें, हर बार कहीं ना कहीं ये रियलाइज होने लगता है कि टीम सच में यार वैसी नहीं बची है जैसे कि हुआ करती थी, जबकि प्लेयर हैं लेकिन पता नहीं क्यों परफॉर्म नहीं करते हैं। मैं नहीं बताऊंगा। और पता है उससे भी ज्यादा दुख ये सोच के होता है कि चाहे रोहित शर्मा हो गए, पुजारा हो गए, विराट कोहली हो गए, या अजिंक्य रहाणे हो गए, ये सब भाई इनिंग में एकदम सेक्सी खेल रहे थे, मस्त भैया पारी उन्होंने बना ली थी, मस्त शॉट पड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद जो शॉट खेल के आउट हुए ना, वही बता रहा था कि असल में ये इस टेस्ट मैच के लिए तैयार नहीं थे। ये इनिंग इनकी ये भी बता रही थी कि ये प्लेयर एक नंबर हैं, लेकिन जिस तरीके से आउट हुए, जैसा मैंने कहा, उससे पता चल रहा था कि इनकी जो तैयारी थी वो भरपूर नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस पूरे ही टेस्ट मैच से हम एक पॉजिटिव निकालें, तो वो पॉजिटिव यही है कि अजिंक्य रहाणे सच में एक बेहतरीन प्लेयर बन चुके हैं, सच में वो आने वाले वक्त में एक लंबे समय तक इंडियन टीम के साथ खेल सकते हैं। और कहीं पे अगर हम एक और पॉजिटिव निकालने की सोचें, तो देखा जाए ना तो इस मैच में जो हमारे पुराने प्लेयर हैं, चाहे रोहित शर्मा हो गए, चाहे विराट कोहली हो गए, चाहे अजिंक्य रहाणे हो गए, यही लोग चले हैं, नए लोग तो और हगे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग के हिसाब से आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से बार बार लगातार जो इंडियन टीम है वो आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में ऐसे मुंह की खाती है, या फिर कहें किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में मुंह की खाती है, फाइनल में भी भैया इसी बार तो पहुंची है, वरना फाइनल में भी कहां पहुंच रही थी। तो आप किस बारे में जो भी एकदम ऑनेस्ट राय है ना, बिना फिल्टर के, बिना कुछ सोचे, भाई कमेंट में बता देना। बाकी देखो, माफी चाहता हूं, मैंने कुछ प्लेयरों को इसमें थोड़ा सा भूरा भरा कहा होगा, थोड़ा सा उल्टा सीधा कहा होगा, आने वाली वीडियोस में मैं ही कह रहा हूँ इनको सपोर्ट करो, हमारे प्लेयर हैं, इनको देखने मजा आता है, तो भाई परिवार है अपना, बुरा बोलेंगे अच्छा बोलेंगे, यही अपना काम है, परिवार से बैर थोड़ी कर लेंगे। तो इसीलिए भैया जो हो गया उसको भुलाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में रोज सोच सोच के रोना भी नहीं चाहते हैं। पर फिलहाल जैसा मैंने कहा कि आप लोग का इस पे ऑनेस्ट टेक क्या है, एक बार कमेंट जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज जो भी वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।